भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शक्तिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को आप निरंतर प्राप्त करते रहें। आज हम आपको शक्तिला एकादशी की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। आपको इस बार शक्तिला एकादशी का व्रत कब करना है, किस विधि से करना है तथा कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना है और शक्तिला एकादशी व्रत का पारणा आपको कब करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिए ताकि ये महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वो सभी लोग एकादशी की जानकारी को प्राप्त करके पुण्य को, लाभ को प्राप्त कर सके। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 एकादशी अधिक हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है और जब उनके पुण्य उदय होंगे तब उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। कई लोग कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत पूजा पाठ कर चुके हैं लेकिन हमको कोई भी फल नहीं प्राप्त हो रहा है। तो हम उनको बताना चाहेंगे कि जब मनुष्य के कई जन्मों के जो है पाप रहते हैं, इसके कारण उनको जो है इस जीवन में सुख मिल नहीं पाता है। पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनको भोगते भोगते आपका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, इस कारण आपको इस जन्म में सुख सुविधाओं की प्राप्ति नहीं हो पाती है और पूरा जीवन कष्ट और संकट में व्यतीत होता रहता है। इसलिए उनको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं करते हैं, शुक्ल पक्ष की करते हैं। कई लोग कहते हैं कि बच्चों को नहीं करना चाहिए, कुंवारी को नहीं करना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक मानव को, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे हो, युवा हो, वृद्ध हो, प्रौढ़ हो, किसी भी अवस्था में हो, विधवा हो, सौभाग्यवती हो या कोई भी हो, उन सभी को चाहिए कि एकादशी का व्रत अवश्य करें। एकादशी का व्रत प्रत्येक मानव को अवश्य करना चाहिए। यदि आप एकादशी का व्रत करेंगे तो निश्चित मानिएगा कि आपके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और जब आपके पाप नष्ट हो जाएंगे तब आपके पुण्यों का उदय होगा, आपका भाग्योदय होगा। प्रत्येक माह में जो एकादशी आती है उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इस बार माघ माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम शक्तिला एकादशी है और जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे दशमी के दिन आपको एक समय भोजन करना है, पराए अन्न यानी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना है और दशमी के दिन चावल नहीं खाना है, दशमी के दिन शहद नहीं खाना है। पंचामृत के रूप में शहद का उपयोग यदि आप करते हैं तो कोई दोष नहीं है, लेकिन अकेली शहद दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन मसूर की दाल, कटहल की सब्जी, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष भक्षण का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन यदि आप एकादशी को सिर नहीं धो पाते हैं तो दशमी के दिन सिर धोकर के अच्छी प्रकार से स्नान करके अपने आप को तन मन से पवित्र कर लीजिए और एकादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें।
इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 17 जनवरी 2023 दिन मंगलवार की शाम को 6:05 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 18 जनवरी 2023 बुधवार की शाम को 4:02 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार सूर्योदय व्यापिनी जो एकादशी है, शुद्ध एकादशी है, द्वादशी युक्त जो एकादशी है, जिसका व्रत सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को करना है, वह एकादशी केवल और केवल 18 जनवरी 2023 बुधवार को ही है और सभी को 18 जनवरी 2023 बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और इस एकादशी व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 19 जनवरी 2023 गुरुवार को सुबह 7:14 से लेकर के सुबह 9:14 के बीच में व्रत खोल लेना चाहिए यानी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। माघ माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम षट्तिला एकादशी है और इस एकादशी का व्रत करने से कई जन्मों तक कठिन तपस्या करने का जो फल मिलता है वही फल इस एकादशी के पुण्य से आपको प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप अपने पूर्वजों को, अपने मृतक पितरों को यदि इस एकादशी का पुण्य प्रदान करना चाहते हैं तो आपको संकल्प के समय उनका नाम तथा गोत्र उच्चारित करना चाहिए, जिससे इस एकादशी का पुण्य उनको प्राप्त होगा। और उनकी यदि मुक्ति नहीं हुई है, उनका मोक्ष नहीं हुआ है, तो उनको यदि आप इस एकादशी का फल प्रदान करेंगे तो उनका मोक्ष हो जाएगा। तो आप 18 जनवरी 2023 बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें, धुले हुए कपड़े धारण करें और उसके बाद मस्तक पर तिलक लगाएं, क्योंकि जब भी हम कोई व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं तो मस्तक पर तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। देवो भूत्वा देवम यजेत, जब हम देवताओं का पूजन यजन करें और उनकी तरह हमारे शरीर को सुंदर, सुव्यवस्थित, सुगंधित बना करके यदि हम पूजन अर्चन करेंगे तो हमारी दी हुई पूजा को, व्रत को वो जल्दी स्वीकार करेंगे। उसके बाद आप अपने नित्य का पूजन अर्चन पहले कर लेवे और सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तथा सुबह प्रातःकालीन वेला में षट्तिला एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। प्रत्येक मनुष्य को जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उनको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। यदि आप सकाम भाव से व्रत करते हैं, सकाम का अर्थ होता है कोई कामना को लेकर के यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं उसे सकाम व्रत कहा जाता है। और यदि आप निष्काम व्रत करते हैं, निष्काम व्रत का अर्थ होता है बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में आपको व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प जब हम धारण करते हैं तो हमको एक आसन पर बैठ करके पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके अपने सामने एक शुद्ध घी का दीपक जला करके जल का पात्र अपने पास में रखे, संभव हो तो उसमें तीर्थ जल डाल लेवे और एक किसी पात्र में काले अथवा सफेद तिल रख लेवे, एक पूजा की सुपारी रखे, कुछ पैसे दक्षिणा स्वरूप रखे और पीला पुष्प रखे। ये सब सामग्री अपने पास में रख करके और पहले आप भगवान को हाथ जोड़ करके नमस्कार करें और उसके बाद संकल्प धारण करें। संकल्प धारण करने के लिए हाथ की मुद्रा को इस प्रकार आपको रखना होगा और हाथ के मध्य भाग में पहले जल डाले, एक सिक्का डाले, सुपारी डाले और उसमें पीला पुष्प रखें, काले अथवा सफेद तिल या जव आप इसमें रख लेवे, क्योंकि इस संकल्प में, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं होता है इसलिए आप तिल या जव के अक्षत का उपयोग कर सकते हैं और यदि संभव हो, आपके पास उपलब्ध हो तो तुलसी जी का एक पत्ता भी इसमें रख लीजिएगा। ये सब वस्तुएं जो हमने आपको बताई हैं उनको रखने के बाद आप 3 बोलिएगा, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः।
ओम तिथिर विष्णु सुधावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च कर्णम विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत ओम विष्णुर विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णु आज्ञयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोनि द्वितीय प्रारधे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बुद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशे अवंतिकायां विशालाक्षेत्रे मध्य प्रदेश भोपाल मंडलांतर्गत ही भोपाल नामनी नगरी ही आप जहां पर रहते हैं उस नगर का शहर का राज्य का या देश का नाम उच्चारित कर लीजिएगा। अद्य दिवसे माघ मासे ही शुभे ही कृष्ण पक्षे ही षट्तिला एकादश्यायाम बुधवासरान्वितायाम मा अनुराधा दिवस नक्षत्रे वृश्चिक राशि स्ते श्री चंद्रे ही मकर राशि स्ते श्री सूर्य ही मीन राशि स्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थित ससु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। बोलिए मम आत्मनः। अब आप अपना नाम तथा गोत्र उच्चारित कर लीजिएगा। यदि गोत्र आपको याद नहीं है तो अपना पूरा नाम बोल लीजिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक दोष समनार्थम सर्व दोष समनार्थम सर्व पाप क्षयार्थम सर्व मन वांछित कामना संसिद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मांश्चिरकाल संरक्षणार्थम दस विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसे ही षट्तिला एकादश्यायाम व्रत यदि आप अपने पूर्वजों को यह एकादशी समर्पित करना चाहते हैं तो उनका नाम और गोत्र भी आपको उच्चारित कर लेना चाहिए। अद्य दिवसे षट्तिला एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये संकल्प आप प्रभु को समर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान आज हम आपकी कृपा से षट्तिला एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें कि हम पूरे विधि विधान एवं नियम के साथ में माघ माह के कृष्ण पक्ष की षट्तिला एकादशी का व्रत संपन्न कर सके और आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर सके। इस प्रकार आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। षट्तिला एकादशी के दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है, इसीलिए इस कारण से इसको षट्तिला एकादशी कहा गया है। जब आप स्नान करते हैं तो नहाने के पानी की बाल्टी में आपको तिल डाल लेना चाहिए तथा तिल का उपटन बना करके उसको शरीर पर अच्छी प्रकार से मल मल करके स्नान करना चाहिए और इस दिन तिल का हवन किया जाता है। काले तिल अथवा सफेद तिल कोई से भी तिल आप इसमें उपयोग कर सकते हैं तथा अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृदोष शांति के लिए तिल के माध्यम से पितरों का तर्पण किया जाता है और भोजन में तिल का उपयोग किया जाता है। तिल के लड्डू या तिल की चक्की बना करके या अन्य तिल का भोजन बना करके इस दिन तिल का भोजन किया जाता है और उसके बाद इस दिन तिल का दान करना भी बहुत ही शुभ कार्य माना गया है। इस प्रकार इन 6 कार्यों को जो है तिल के द्वारा संपादित करना चाहिए, इसीलिए इस एकादशी का नाम षट्तिला एकादशी है। एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अन्न नहीं खाना चाहिए, इस दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। वैसे तो हमारे धर्म ग्रंथों और पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि फल और गाय का दूध सर्वोत्तम फलाहार माना गया है। क्योंकि यह षट्तिला एकादशी है इसलिए इस दिन तिल का फलाहार भी अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन गलती से भी चावल नहीं खाना चाहिए और यदि आपके घर में एकादशी का व्रत होता है या नहीं भी होता है, दोनों ही परिस्थिति में आपको घर में रसोई घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। और एकादशी के दिन आपको अपने घर में मसूर की दाल, लहसुन प्याज मांस मदिरा और कोई भी अवक्ष भक्षण वस्तुओं का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करवाना चाहिए और शरीर के अंग के कोई भी बाल या काटना अथवा कटवाना वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए।
और एकादशी के दिन आपको कोई भी गलत या अनैतिक या पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीन प्रकार के पाप बताए गए हैं, शारीरिक पाप, मानसिक पाप और वाचिक पाप। शारीरिक पाप का अर्थ होता है शरीर के द्वारा जो पाप किया जाता है उसे शारीरिक पाप कहा जाता है। मन के द्वारा जो गलत उच्चारण या मन में जो भी गलत भावनाएं आती है, मन में गलत विचार आते हैं, उनको मानसिक पाप कहा जाता है। और वाचिक पाप का अर्थ होता है वाणी के द्वारा यदि हम कोई गलत शब्दों का उपयोग करते हैं तो उसे वाचिक पाप कहा जाता है। इसलिए आप इस दिन कोई भी गलत कर्म, अनैतिक कर्म अथवा पाप कर्म बिल्कुल न करें। शुद्ध और पवित्र मन से भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का भजन करते हुए आपको षट्तिला एकादशी व्रत को धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन दिन में सोना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। यदि संभव हो तो आप चार पाई का परित्याग करके पृथ्वी के ऊपर बिछोना बिछा करके यानी बिस्तर बिछा करके आपको विश्राम करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपातकालीन स्थिति है तो आप प्रभु से क्षमा याचना कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। और एकादशी के दिन अगर आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत तो कर सकते हैं, व्रत के सभी नियमों का भी पालन कर सकते हैं, लेकिन आपको पूजन पाठ या भगवान का स्पर्श आदि कर्म नहीं करना चाहिए। और आपके घर में कोई माताएं बहनें यदि व्रत करती है और वो एकादशी के दिन यदि मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में आ जाती है, रजस्वला स्त्री होती है, तो उनको भी व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन करना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन वैवाहिक दंपत्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन रात्रि में जागरण भी करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान के भजन तथा कीर्तन आपको करना चाहिए और एकादशी के दिन यदि संभव हो तो भगवान के पवित्र नामों का स्मरण करें, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें और इस दिन ठाकुर जी का विशेष पूजन अर्चन करें, उनको विशेष रूप से श्रृंगार करावे। और एकादशी के दिन यदि आप चाहें तो एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके मध्य भाग में भगवान लक्ष्मी नारायण की स्थापना करके, कलश की स्थापना करके उनका भी आप पूजन अर्चन करें। क्योंकि षट्तिला एकादशी है, इस दिन तिल का हवन करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है, तो इस दिन घी में तिल मिला करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र की कम से कम 11 आहुति प्रदान करना चाहिए। अग्नि का कंडा जला करके और काले अथवा सफेद तिल में शुद्ध गाय का घी मिला करके आपको आहुति प्रदान करना चाहिए। और इस एकादशी के दिन यदि आप गाय को गुड़ और तिल खिला देंगे तो आपके जो भी पाप होंगे, कष्ट होंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। और ब्राह्मण को यदि आप तिल की मिठाई का इस दिन दान करेंगे तो निश्चित तौर से आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और यदि पितरों के निमित्त तिल का तर्पण यदि आप इस दिन करते हैं तो आपके पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे और आपके समस्त पितरों को, पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। षट्तिला एकादशी यानी 18 जनवरी 2023 बुधवार को जब रात्रि होगी सूर्यास्त के बाद, उस रात्रि में जागरण भी आपको करना है। पूरी रात यदि आप जाग सकते हैं तो बहुत शुभ है और यदि नहीं जाग सकते हैं तो जितना आपसे जागरण हो सके उतना जागरण अवश्य करें। और अगले दिन सुबह यानी 19 जनवरी 2023 गुरुवार को जल्दी उठे, स्नान करें और उसके बाद संकल्प धारण करें। जिस प्रकार हमने व्रत प्रारंभ करने का संकल्प लिया था उसी प्रकार व्रत पारणा यानी व्रत खोलने का संकल्प हमको धारण करना चाहिए। और जब हम व्रत का पारणा करते हैं उस समय ब्राह्मण भोजन करवाने का विधान है, क्योंकि ब्राह्मण भोजन के बिना पारणा या व्रत खोलने की विधि अधूरी मानी जाती है। तो यदि संभव हो तो आप अपने घर ब्राह्मण को बुला करके उनको भोजन अवश्य कराएं, या फिर आप उनको सीधा सामान आटा दाल चावल का दान करें।
यदि यह भी संभव न हो तो आप इस हेतु यानी ब्राह्मण भोजन के निमित्त उनको नगद राशि धन देकर भी ब्राह्मण भोजन का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखें, एकादशी व्रत का पारणा हमेशा जो है शुद्ध वस्तुओं से ही करना चाहिए। भोजन से आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। द्वादशी के दिन चावल खाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि हम दशमी और एकादशी दोनों ही दिन चावल का परित्याग करते हैं। ऐसे में द्वादशी के दिन देव अन्न यानी चावल को सम्मान देते हुए द्वादशी के दिन चावल अवश्य खाना चाहिए। व्रत का पारणा आप अगर अगले दिन कोई और व्रत करना है, जैसे प्रदोष इत्यादि आ जाते हैं, गुरुवार का व्रत है, तो आप जो है ऐसी परिस्थिति में फल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। भोजन दाल रोटी चावल से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। ध्यान रखें, उसमें लहसुन प्याज मांस मदिरा मसूर की दाल कटहल की सब्जी का उपयोग पारणा के समय आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि इस विधि से आप शर्तिला एकादशी का व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से आपका व्रत सफल हो जाएगा और भगवान लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और जो भी भक्तजन माताएं बहने शर्तिला एकादशी का व्रत करेंगे या कर रहे हैं, उन सभी के लिए कथा सुनना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब हम किसी भी व्रत की कथा सुनते हैं तभी वह व्रत पूर्ण माना जाता है। शर्तिला एकादशी की कथा ब्राह्मण के मुख से सुनना चाहिए। जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो ही आपको कथा का पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा दान अवश्य देना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप शक्तिला एकादशी के निमित्त नगद राशि देना चाहते हैं, दान पुण्य करना चाहते हैं, तिल का दान देना चाहते हैं, वस्त्र दान, अन्न दान, गौ दान या कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, तो आप अपना नाम तथा गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिएगा और इस हेतु नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से अथवा अकाउंट नंबर या व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से भेज करके शक्तिला एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।